अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मज़ेदार चिकन पफ पेस्ट्री की रेसिपी। मैं इसे बहुत इजी तरीके से बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि उन्हें आपसे शेयर किया जाए। तो देखिए, झटपट से मैंने इसे बनाना शुरू कर दिया है। और देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 किलो जो है 250 ग्राम बोनलेस चिकन, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और जो है ना हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक एज़ पर टेस्ट, 1 टीस्पून के इतना होगा नमक इसके अंदर। उसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून, और हरी मिर्चें 10 हरी मिर्चें यहाँ पे मैंने क्रश की हुई ऐड की है, और थोड़ा सा हम इसमें ऑयल कर देंगे। इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे, और इसे हमें ना पानी सूखे तक कुक करना है अच्छे से। इसके बाद जो है ना चिकन को हम पीस लेंगे। मैं ये रेसिपी बना रही थी, मैंने सोचा फटाफट आपसे साथ भी थोड़ा बहुत शेयर कर लिया जाए। और ठंडा करने के बाद इसे हमें पीस लेना है। देखिए, इस तरीके से हमारा जो है पफ पेस्ट्री का अंदर का जो मिक्सचर वो रेडी हो गया है। आप कोई भी तरीके से इसका मिक्स अंदर का जो फीलिंग बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से रेडीमेड पफ पेस्ट्री की शीट्स मिलती है, बहुत ईजीली मार्केट में अवेलेबल होती है, हमारे यहाँ तो मिल जाती है आसानी से। उसके बाद देखिए किस तरीके से अंदर से रहती है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये रहती है, आप इसे फ्रीज़र में आराम से रख सकते हैं कितने भी दिन के लिए। जब आपको बनाना है तो फ्रीज़र से इसे 3-4 घंटे पहले निकाल लीजिए और इसे यूज़ कर लीजिए। देखिए, इस तरीके से इजीली ये जो है पफ पेस्ट्री की जो शीट है वो निकल जाती है। बस इसमें हमें फिलिंग करना है और इसे कुक करना है। जिसके पास ओवन है वो भी कुक कर सकते हैं, जिसके पास नहीं है वो भी कुक कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है ये। तो मैं झटपट सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं वो घर में भी बनाते हैं ये शीट, लेकिन बहुत मेहनत लगती है, पैसा भी लगता है, टाइम भी वेस्ट होता है। तो इस तरीके से रेडीमेड लीजिए और फटाफट बनाइए। और देखिए, मैंने इसके साथ चीज़ भी ऐड किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको ऐड करना है तो करिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। आप ना चिकन तंदूरी की फीलिंग भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और श्रेड करके चिकन को बहुत बेहतरीन लगती है। या वेजिटेबल्स भी जो है ऐड कर सकते हैं, या आप सिर्फ जो है ना पेस्ट्री को भी जो है ना शीट को भी आप कुक कर सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। अब देखिए, इस तरीके से फोक का यूज़ करके हमें इसे प्रेस कर लेना है, और हमें इसे ना अलग अलग शेप में जैसा भी हमें बनाना है हम बना सकते हैं। एक शेप मैं ऐसा बना रही हूँ, और एक और शेप मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी किस तरीके से ये बनता है। बहुत फटाफट बनने वाली ये रेसिपी है, इसलिए मैंने आपको शो की। आप जो है रमज़ानों में जब आप शॉपिंग करें ना, तो इसे भी ला के रख ले चाहिए, तो आप ईद में भी इसे बना सकते हो, मेहमानों के सामने बिल्कुल डिफरेंट लगेगी। देखिए, इस तरीके से रेडी हो गई है हमारी एक पफ पेस्ट्री। अब इसे साइड पे रख देते हैं, मैं आपको एक और शेप दिखाती हूँ किस तरीके से बना लेंगे। तकरीबन जो सारी शीट्स है ना, मैंने 10 मिनट में बना के रेडी कर ली थी, और आपको मैंने एकदम इजी वाला जो है अंदर की फीलिंग मैंने आपको बताई है, बहुत इजी बनती है, और एकदम जो है ना स्पाइसी भी रहती है, और ऊपर से जो है ना क्रिस्पी क्रिस्पी पफ पेस्ट्री होता है, और अंदर से ये फीलिंग जो होती है स्पाइसी, बहुत मज़े की लगती है। और उसमें चीज़ का फ्लेवर ऐड कर लीजिए तो और मज़े का लगता है। अब देखिए, इस तरीके से जो पॉकेट्स होते हैं ना, उस तरह से मैं इसमें शेप दे रही हूँ। बहुत इजीली बन जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे ये रेसिपी भी फटफट रमज़ान की जो मेरी रेसिपी है वो भी शेयर कर लूँ। अब थोड़े ही दिन बचे हैं रमज़ानों में, तो बहुत सारे जन तो बोर हो जाते हैं, बनाते करते खाते, ये खाना है समोसा खाना है भजिया खाना है, तो ये कुछ ऐसा ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप मेहनत भी कम लगेगी और फटाफट से बन जाएगी। प्लस हमें इसे फ्राई वगैरह नहीं करना है, बेक करना है, तो ओवन रहे या नहीं रहे उससे कोई हमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं। अभी मैं आपको जो है ना वो डायरेक्ट पतीले के अंदर ही बताऊँगी इसे कैसे बेक करना है, क्योंकि ओवन वालों के पास जो होता है वो तो उनको पता होता कैसे बेक करना। देखिए, मैंने यहाँ पे बेकिंग ट्रे ले ली है, इस पे मैंने ना जो बटर पेपर पे थोड़ा सा ऑयल जो है ऐड कर दिया था, ग्रीस कर लिया था। उसके बाद है ना हम इस पे अंडा ऐड करेंगे। अंडा क्यों करेंगे हम, क्योंकि इसे अच्छा सा कलर देना है ऊपर। जब भी हमें कोई चीज़ पे कलर देना है, या तो आप दूध ऐड कर लीजिए या तो अंडा। अंडा ऐड करने से क्या है, कलर और ज़्यादा बेहतरीन आता है, दूध से थोड़ा लाइट कलर आता है। तो इसे हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें इसे पतीले में कुक होने के लिए रखना है, और जो ओवन का यूज़ कर रहे हैं ना, वो 180 डिग्री पे 25 मिनट्स के लिए रखिए, और जो हम पतीले का यूज़ करेंगे उसे हमें 35 मिनट्स पे रखना है। पहले मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट्स, फिर लो फ्लेम पे हमें इसे कुक करना है 35 मिनट्स के लिए। देखिए, 35 मिनट्स के बाद कितनी बेहतरीन सा कलर आ गया है, और हमारी पफ पेस्ट्री झटपट सी रेडी हो गई। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए, रेडी है हमारी बेहतरीन सी बाजारों वाली चिकन पफ पेस्ट्री की रेसिपी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी लगेगी। और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिए, और उससे आने वाली सबसे पहले रेसिपी आपको मिलेगी। तो चलिए, चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।